ये देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो पहुंच चुके हैं और ये टाइगर जयराम महतो बरसात पार जा रहे हैं। अरे जो अपनी पहचान देख सकते हैं ब्लैक टीम यहाँ पे पहुंच चुका है और टाइगर जयराम महतो को किस तरह से अपने हथियार बंद उनके क्रांतिकारी बॉडीगार्ड लोग पहुंची है, सुबह से एक भी बाइक आगे नहीं गई है। ऐसे में जयराम महतो जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने साथियों को संयम रखते साथ आपकी माताएं वाले आपके बच्चे हमारी माताएं वाले इस श्रद्धा भाव रूप से राण मटिक राण लोग राण पहचान की तरह देख सकते हैं। तो अधिकार देने की बात कही जा रही है, लोग सोशल मीडिया में आके उनका पक्ष लेने का काम कर रहे हैं पवित्रता के नाम पर। हमको एक भी आंदोलन दिखाइए पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों से लड़ते हुए या जमींदारों से लड़ते हुए महाजनों से लड़ते हुए एक भी आंदोलन जिसमें जल जमीन जंगल को बचाने के लिए उन्होंने आगाज किया है। जबकि हम गिनाएंगे तो हमको लगता है किताब के पन्ने कम पड़ जाएंगे, आपका जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी जो चीप है वो कम पड़ जाएगी, मेमोरी कम पड़ जाएगी। इतना हमने दर्द और दंश झेला है जल जमीन जंगल को बचाने के। हम शुरुआत करते हैं जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया भारत के लोग अंग्रेजों के सामने बुरी तरह पिट गए। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी बंगाल में और बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था बिहार में। भारत के लोग जो समय राजा का शासन था बुरी तरह पिट चुके थे अंग्रेजों से। लेकिन जैसे ही 1767-1770 के आसपास अंग्रेज लोग झारखंड की भूमि में आते हैं वही जंगल छीनने जमीन छीनने हम लोग यहाँ ढाल विद्रोह चुहाड़ विद्रोह कहीं भूमिज विद्रोह कहीं कोल विद्रोह कहीं तमाड़ विद्रोह कहीं सिद्धू कानू विद्रोह और न जाने लगभग 150 लड़ाई हम लोग लड़ते हैं इस जल जमीन जंगल को बचाने के लिए। तो हमारा संघर्ष रहा है इसलिए हम लोग लड़े क्योंकि हमारा इनसे नाता रहा है, हम यहीं के भूमिफट हैं, हमारा सृजन इसी मिट्टी से हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक भी कह रही है कि धरती माने पानी से अगर सबसे पहला अंश मिट्टी का कोई बाहर आया था तो सिंहभूम का क्षेत्र आया था, सिंहभूम यानी यही झारखंड। तो हमने सदैव जल जमीन जंगल के लिए लड़ाई लड़ा है। आप याद कीजिए किसी भी विद्रोह को याद कीजिए, आप 1855 के सिद्धू कानू के नेतृत्व के विद्रोह को याद कीजिए, 20,000 लोग मारे गए अंग्रेजों की गोलियों का शिकार, क्यों? अपने जल जमीन जंगल को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए। इसलिए इस प्रकार जो लोग एक पक्ष मीडिया के सामने अथवा दूर होकर लिखते हैं तो एक बार वास्तविकता जाननी चाहिए कि पारसनाथ पहाड़ यहाँ एक केवल